ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। आज की मुरली विजय भाई जी पढ़ेंगे। ओम शांति। सभी चीयरफुल भाई बहनों का स्वागत है। बाप दादा का आह्वान करते हैं, आओ और हम सबको समझा जाओ। हम तो निमित ही रीड करेंगे। आज के महावाक्य का जैसे टॉपिक है सहज मार्ग में मुश्किल का कारण और निवारण। कुछ पहले पार्ट को भी रिवाइज कर लेते हैं। बाबा भाग्यशाली डबल विदेशियों को देख रहे थे, जिनको भाग्य लास्ट ऑफ फास्ट का है और पहले पहले जो भी आत्माएं आई, निमित आए, उन्होंने मनन कर, मेहनत कर, मक्खन खाने के समय जो पहुंच गए और उनके अनुभव के और सहयोग से यहाँ पहुंच गए। बाबा ने कहा, जैसे अनुभवी महारथी निमित आत्माओं ने यहाँ पहुंचाया है, ऐसे आपको भी यह सेवा करनी है। बाबा आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि यह ज्ञान कैसे सरल है। ऐसे सरल है कि हर पॉइंट का अनुभव के कारण जो है ना, यह सरल है। फिर जब हम इसको कहानी के रूप में लेते हैं, आदि और मध्य अंत की, और तीसरा जो है अनेक बार रिपीट किया है। और याद के लिए बाबा ने यह समझाया कि एक तो प्यारे थे प्यारे, एक नियर भी और डियर भी। जब हम ऐसी रिलेशनशिप रखते हैं और प्राप्ति का आधार होता है तो कितना सरल हो जाता है। और ज्ञान के कोर्स को भी 7 दिन में बांध दिया, और योग के शिविर तो 3 3 क्लास होते हैं। बाबा ने कहा, उस सागर को आपने सागर में समा लिया। क्या हे सहज योगी, बस आप और बाप। पर मुश्किल क्यों आ जाती है? मुश्किल और कुछ नहीं, ये आपकी अपनी कमजोरी है, पुराने संस्कारों की रुकावट है, और जिससे ना शक्ति ना होने के कारण सहज तरीके की बजाय पत्थर तोड़ते हो, दिल शिकस्त हो जाते हो। सहज मार्ग में पत्थर नहीं तोड़ना, जंप करके पार करना है। बाबा ने जो ड्रामा का ज्ञान दिया है, इस नॉलेज से सेकंड पार करना है। और दूसरा बाबा ने बताया कि दूसरी कमजोरी जो है ना, समय पर ज्ञान के पॉइंट टच नहीं करते। पर आई बिलीव यहाँ जो भी टीम में है टच करते हैं, क्योंकि बाबा ने जो विधि बताई हम यूज करते हैं। क्या विधि बताई? कि सदा पॉइंट्स को रोज रिपीट करो, रिवाइज करो, अनुभव करो, चेक करो, चेंज करो, फिर टाइम वेस्ट नहीं होएगा और ऐसे अनुभव ही बन जाएंगे। इस तरीके से बाबा ने ये हमें कहा कि फिर हमें ना कारणों में जाना पड़ेगा, ना समाधान में जाना पड़ेगा, ना संस्कार बीच में आएंगे। क्या बन जाएंगे? बादशाह, तख्त नशीन, ताजदारी और तिलकदारी। अब हम आज का सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में बाबा मिल तो जर्मनी ग्रुप से रहे थे, पर बाबा ने उनको सहयोगी ग्रुप का टाइटल दिया है। और बाबा ऐसे ज्ञान योग के अनुभवी बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देख रहे थे। बाबा ने कहा कि एक ही दृढ़ संकल्प करो। क्या? मास्टर सर्वशक्तिमान सो जगजीत। बस हिम्मत का कदम रखना है और बाबा की जो पूरी मदद मिलेगी। एक ही कदम तो उठाना है। बाबा ने एक बहुत सुंदर हमें टूल बताया है कि बातें आएंगी, सिर्फ बाप पे छोड़ दो और बाबा शब्द को यूज करो। इसी में जादू है। पर अटेंशन प्लीज, माया भुला दे। आप ये ब्रह्मा बाप को तो कमल पुष्प पे आसन दिखाते हैं ना, हमारा भी वे आसन है। उस पे जब बैठ जाएंगे, न्यारे हो जाएंगे तो चीयरफुल जाएंगे। अब हम सभी इस मुरली को विस्तार से रीड। जर्मनी पार्टी से सहज ज्ञान और योग के अनुभवी मूर्त हो,
बाप दादा हर एक श्रेष्ठ आत्मा की तकदीर को देखते हैं, जैसे बाप हर एक के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देखते हैं, वैसे आप भी अपने मस्तक पर सदा चमकता हुआ सितारा देखते हो। सितारा चमकता है, माया चमकते हुए सितारे को कभी ढक तो नहीं देती, चेक करते जाएं। माया आती है, माया जीत जगत जीत कब बनेंगे? आज और अब, आज और अब, अर्थात अभी नहीं तो कभी नहीं, यह दृढ़ संकल्प करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान बन माया जीत जगत जीत बन करके ही रहेंगे। जी बाबा, सभी यही कह रहे हैं, हिम्मत है ना, अगर हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा भी मदद अवश्य ही करेंगे। एक कदम आप उठाओ, हजार कदम बाप मदद देंगे, सब अनुभवी हैं। एक कदम उठाना तो सहज है ना, तो आज से सब सहज योगी का टाइटल मधुबन वरदान भूमि से वरदान लेके जाना। ले लिया वरदान सहज योगी का? यह ग्रुप जर्मनी ग्रुप नहीं, लेकिन सहज योगी ग्रुप है। कोई भी बात आवे, बात सामने आए, तो सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो, दिल से कहो, प्यार से कहो, क्या बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। इतना श्रेष्ठ जादू का शब्द मिला हुआ है, सिर्फ जिस समय माया आती है उस समय भुला देती है। अटेंशन प्लीज, माया पहला काम यही करती है कि बाप को बुलाती है, तो यह अटेंशन रखना पड़े। जब यह अटेंशन रखेंगे तो सदा कमल के फूल के समान अपने को अनुभव करें। क्या करता है कमल का फूल? न्यारा रहता है। चाहे माया के समस्याओं के कीचड़ कितनी भी हो, लेकिन आप याद के आधार पर कीचड़ से सदा परे रहेंगे। आपका ही चित्र है ना कमल पुष्प, इसलिए इसलिए देखो, जर्मन वालों ने झांकी में कमल पुष्प लगाया है। देखो उस झांकी को, कमल पुष्प पर, और सिर्फ ब्रह्मा बाबा कमल पर बैठे हैं या आप भी बैठे हो? सभी बैठ जाओ कमल पर। कमल पुष्प की स्टेज आपका आसन है, आसन को कभी नहीं भुलाना। अटेंशन प्लीज, तो सदा चीयरफुल रहेंगे। हमारा लक्ष्य आज का क्या है? चीयरफुल रहना है। कब रहेंगे? जब आसन को नहीं भुलाएंगे, बाप को नहीं भुलाएंगे। कभी भी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे, सदा एक ही मूड होगी, क्या? चीयरफुल। सभी मुस्कुरा रहे हैं ना, सब देख करके आपकी महिमा करेंगे कि सदा सहज योगी, सदा चीयरफुल है। समझा? कमल पुष्प के आसन पर सदा रहो, सदा चीयरफुल रहो, सदा बाप शब्द के जादू को कायम रखो। तीन बात पर पूरा पूरा अटेंशन है। भाई ने कलर भी किया हुआ है यहाँ पे, ऐसा छप जाए आज कि हमें क्या करना है, तीन बातों पे ध्यान देना है। कमल पुष्प पे आसन पर सदा रहो, सदा चीयरफुल रहो, सदा बाप शब्द के जादू को कायम रखो। तीन बातें जर्मनी वालों की विशेषता है, जो मधुबन में बहुत प्यार से भागते हुए आकर्षित होते हुए आए हैं। मधुबन से प्यार अर्थात बाप से प्यार, बाप दादा का भी इतना ही बच्चों से प्यार है। बाप का प्यार ज्यादा है या बच्चों का? सभी अपने दिल से पूछ के बाबा का जवाब दें। किसी वहां पर किसी ने जवाब दिया बाप का।
आप भी बाप से पद आपका भी बाप से पदम गुना ज्यादा है। चेक करें, बाबा को बताएं, बाप तो सदा बच्चों को आगे रखेंगे ना, बच्चे बाप के भी मालिक हैं। ये मालिकों सुन रहे हो, बाप के भी मालिक हैं। देखो, आप विश्व के मालिक बनेंगे, बाप मालिक बनाएगा, बनेगा नहीं, किंग मेकर है ना। तो आप आगे हुए ना, इतना प्यार बाप का है बच्चों से, एक जन्म की तकदीर नहीं, 21 जन्म की तकदीर और अविनाशी तकदीर है। यह गारंटी है ना, आलमाइटी अथॉरिटी श्री बाबा की अपने मालिक बच्चों को गारंटी है। जर्मन ग्रुप को कमाल दिखानी है, जैसे अभी मेहनत करके गीता के भगवान के चित्र बनाए हैं, ऐसे कोई नामी ग्रामी व्यक्ति निकालो जो आवाज निकाले कि हाँ, गीता का भगवान शिव। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख बहुत बहुत मुबारक देते हैं। टॉपिक बहुत अच्छी चुनी है, इसी टॉपिक को सिद्ध किया तो सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। जैसे अभी मेहनत की है, वैसे और भी मेहनत करके आवाज बुलंद करना, विचार सागर मंथन अच्छा किया है, चित्र बहुत अच्छे बनाए हैं। आगे बाबा प्रश्न के माध्यम से बता रहे हैं, बाप दादा हर स्थान के रिजल्ट किस आधार पर देखते हैं? उत्तर में बताया, उस स्थान का वायुमंडल और परिस्थिति कैसी है। हमें सदा वायुमंडल बना के रखना है और अपनी स्वस्थिति में टिकना है, उसी आधार पर बाप दादा रिजल्ट देखते हैं। अगर सख्त धरनी से कलराठी जमीन से 2 फूल भी निकले तो वह 100 से भी ज्यादा है। दो को नहीं देखते, लेकिन वो भी 100 के बराबर लगते हैं। कितना भी छोटा सेंटर हो, छोटा नहीं समझा समझना, कहाँ क्वालिटी है तो कहाँ क्वांटिटी है। सीधा वे ऑफ बाबा थिंकिंग, जहां भी बच्चों को जाना होता है वहां सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस डबल स्वरूप से सेवा करो तो वृद्धि होती रहेगी। रूप और बसंत दोनों रूप से सेवा करो, दृष्टि से भी सेवा और मुख से भी सेवा। दृष्टि से नजर से निहाल कर दो, शक्तियों से भर दो, उनकी धरनी बना दो और मुख से बीज डाला और समय दोनों रूप से सेवा में डबल रिजल्ट निकलेगी। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर अपने प्रश्न उत्तर। सभी हैंड रेज करके अपने मंथन शेयर कर सकते ओम शांति। बाबा कहते हैं कि तुम जास्ती प्यार करते हो कि मैं जास्ती करता हूँ, तो अर्थात बाबा ही करते हैं। बाबा हर समय जी हजूर करते हैं, और ढूंढा भी हमें बाबा ने ढूंढा है। हमारी क्या मजा रहा हमें भगवान को ढूंढे, इसके लिए बाबा ये हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो बाबा ने कहा है ना, ओम शांति। थैंक यू बहन। रविदीप जी आप शेयर कीजिए। जी ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज जर्मन की पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं, तो माना हम सब से भी
वो बातचीत कर रहे हैं, तो मैं आत्मा माया जीत जगत जीत हूँ, ये मेरा दृढ़ संकल्प रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शक्ति हूँ और भरपूर हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि हम सहजयोगी आत्माएं हैं, सदा बाबा के पास हूँ और बाबा का हाथ पकड़ा है, कमल आसन धारी हूँ, माना सदा हल्का रहने वाली बोझ मुक्त आत्मा हूँ और कमल समान न्यारी और प्यारी भी हूँ। फिर बाबा कह रहे चेयरफुल रहना है, सदा हर्षित, कोई भी मुश्किल आए तो दिल से बाबा, उस बाप शब्द में भरपूर जादू है, उस जादू में खुद को रंगना है, मैं बाप की बाबा मेरा। फिर बाबा कहते हैं कि आप तो भगवान के भी मालिक हो और मैं आत्मा बाप समान ही हूँ और बाप समान सेवाधारी भी हूँ, मुझे मन से भी और वाचा से भी अपने मुख से नैनों से सदा सेवा करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। बहन। गीता ओम बहन जी, आप शांति। शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ, जी, बाबा बोला जे रूप बसंत ए दून स्वरूप में सेवा करो तो दृष्टि में भी सेवा और मुख में भी सेवा, एक ही समय दोनों रूप की सेवा, डबल रिजल्ट निकालेंगे। अब बाबा बोला जे तीन चीजों के याद करो, एक होच्छे कमल पुष्प आसन पर, आर होच्छे टीआर फुल, आर बाबा, ये तीन शब्द सबसमय याद करना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, निपुण बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने दृढ़ संकल्प के महत्व को बताया है और बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प करेंगे तो आप किसी भी माया के रूप को पहचान पाएंगे और मैं आप एक कदम हिम्मत का उठाएंगे उसे पार करने के लिए, तो बाबा 1000 कदम उठाएगा। तो दृढ़ संकल्प करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा। हाँ जी, हेमा बहन, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा ना कि कोई भी बात सामने आए तो सिर्फ आप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। तो सचिन भाई की एक क्लास सुन रहे थे तो उन्होंने पक्का करा दिया है कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे लिए है, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे सुन रहा है, बाबा मेरी परवाह करता है, बाबा मेरी रक्षा करता है, बाबा मुझे जानता है, बाबा मुझसे प्यार करता है। तो ये दिन में कई बार इसको याद करो तो एक बाबा के निरंतर सदा साथ रहने की फीलिंग आती है, ऐसा अनुभव भी होता है। ओम शांति। बहुत सुंदर हेमा बहन, बहुत सुंदर। हाँ जी, हेमा बहन, आप शेयर कीजिए। जी ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोला कि विश्व का मालिक आपको बाबा बना रही है, वो स्वयं नहीं बनने वाले, तो इतना बाबा का प्यार है बच्चों से, और उसने वो एक जन्म की तकदीर नहीं 21 जन्म की तकदीर और अविनाशी तकदीर है, इस चीज की वो बाबा गारंटी दे रही है। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी, नमिता बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति बहन, बोलो। हाँ, बाबा ने कहा कि समय पर ज्ञान का पॉइंट टच करे तो बात बात ही नहीं बने, सब खत्म हो जाएगी। तो समय पर बाबा याद आए तो बात ही खत्म। तो बाबा कहते हैं सदा दृढ़ संकल्प करना है कि आज और अब दृढ़ संकल्प करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो बातें आए तो मुख से निकल की बाबा बाबा मेरे साथ है, तो बात खत्म, क्योंकि हम सहज योगी आत्माएं हैं, सदा बाबा हमारा साथ है, हम बाबा के साथ कंबाइंड है। तो सदा अटेंशन रखना है कि कमलपुर अटेंस, यह शब्द बाबा शब्द सदा अटेंस, बाबा शब्द ऊपर सदा अटेंशन रखना है। तो कमल पुष्प आसन पर सदा रहना है, चेयरफुल रहना है और बाबा शब्द तक जादू को कायम रखना, माना समय पर बाबा
याद आए। बाबा कहते हैं, रूप और वसन दोनों रूप में सेवा करना है। दृष्टि से भी सेवा, मुख से भी सेवा, दोनों रूप में सेवा। अपनी भाई भाई दृष्टि से कैसे ना, अपनी भाई भाई की दृष्टि, हर एक को भाई भाई की दृष्टि से देखना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से, और कर्म में शुद्ध और श्रेष्ठ कर्म करके हर एक आत्मा को भाई भाई दृष्टि में देखना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू। बाबा ने ना आज ये बाबा शब्द को दिल से कहना ही जादू है। ये बाबा शब्द का जादू हम सबको लगा हुआ है। कोई बाबा शब्द कहने से क्या फीलिंग आती है, कुछ कम शब्दों में सभी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक बाबा शब्द में सब कुछ है। किसी को बाबा कहने से ऐसी असीम प्यार की अनुभूति होती है, किसी को रक्षा की अनुभूति होती है। अपने एक्सपीरियंस से या अपनी फीलिंग से इस पर भी हम शेयरिंग कर सकते हैं, या और कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगे, यू आर मोस्ट वेलकम। ओम शांति। अपनापन लगता है और सब कुछ बाबा ये करते हैं। अपनी कुछ भी समस्या हो तो बाबा कहे तो हल्के हो जाते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर, भरपूरता थैंक यू। लगती है इस बाबा कहने भरपूर से। करें, हाँ, संपन्न, भरपूरता कि मैं भरी हुई हूँ, प्यार से लबालब हूँ और प्यार छलक रहा है। ओम बहुत शांति। सुंदर, ओम शांति। हाँ जी रवि दिव्या। हाँ, मैंने ही शेयर किया अभी। अच्छा, अच्छा ठीक, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी। बाबा शब्द कहने से जैसे अपनापन महसूस होता है। जैसे अलौकिक में भी बाबा बोलने से क्या होता है, बाबा मैंने खुद अपने पिता का याद आ जाता है। ऐसे भी बाबा परमात्मा को हम मन में स्मरण कर रहे थे, अपनापन आता है, बहुत भरपूरता महसूस होता है। थैंक यू जैसे बहन। अरुणा बहन आप शेयर हाँ, कीजिए। ओम शांति। बाबा कहने से देही अभिमानी बन जाते हैं, सदा हल्का। आज की मुरली मेरे से कहे चेयरफुट, ऐसी ही स्थिति रहती है। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी कविता बहन आप बताइए। ओम शांति। मेरा मेरा बाबा माने जो मेरा अविनाशी पिता है, कल सारे के लिए मेरा पिता, सिर्फ एक जन्म का नहीं। वो ऐसे, वो सोच से बहुत ही गदगद होते हैं, और साथ में सर्व खजानों की चाबी बाबा है। तो ऑटोमेटिक वो प्राप्तियां, वो संपूर्णता, वो अंदर से वो भरपूरता ऑटोमेटिक आ जाती है। ओम शांति। बिल्कुल ठीक। हाँ जी अशोक भाई जी शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा शब्द पैर से बोलने से सारा बोझ बाबा को ट्रांसफर हो जाता है और हम बिल्कुल हल्के होते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। हेमा बहन। जी, ओम शांति। बाबा शब्द कहने से मैं कौन मेरा कौन ये याद आता है, और सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाबा से होती है। बहुत सुंदर। सावित्री बहन जी। हाँ जी, बाबा कहने से ऐसे लगता है कोई रक्षा में आ गया। जैसे हम पिता माता को लौकिक में भी होता है, उस रक्षा से भी कर रहे हैं, तो वहां पे बाबा संभाल लेता है, और हमें अच्छे रूप में बाबा का वो बलिदान मिलता है। बहुत सुंदर। निपुण बहन कुछ कहना है, आपका हैंड रेज है। जी, बाबा शब्द कहने से ना अतींद्रिय सुख की महसूसता होती है। हम कितने सुखों को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया हमने लौकिक में, लेकिन जब सुख मिला तो सिर्फ एक बाबा शब्द से मिला। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो ये शिव भगवानों वाच है, बाबा शब्द दिल से कहा तो जादू हुआ। जादू केवल 10 को हुआ है क्या? बाकी जो हमारे 62 पार्टिसिपेंट है उनको जादू नहीं हुआ? ये हो नहीं सकता। हाँ जी गायत्री बहन। ओम शांति। बाबा शब्द जब हम दिल से निकालते हैं तो जादू होता है। तो वैसे साधारणतः देखा जाए तो बाबा सारा दिन बाबा बाबा बोलते रहते हैं। मैं तो क्या करती हूँ, बाबा को बीच में बिठा लेती हूँ और 7 फेरे लेती हूँ। पहली बार बाबा 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 बाबा, दूसरी बार मैं बाबा की बाबा मेरा, तीसरी बार
मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा सीखी लदा बाबा। चौथी बार, बाबा मैं जहां बिठाओगे वहां बैठूंगी, जो खिलाओगे वहां खाऊंगी। तो ओम शांति, जहां पर हमारा हक है ना, एक अधिकार, तो सबका आवाज जैसे कट अभी रही है। बहन ने बताया, तो ये अधिकार हमें मिल। ओम शांति भाई जी। जी बाबा कहने से परिवार की अनुभूति होती है। मम्मा बाबा सब आदि रतन, सब हमारे ब्राह्मण परिवार सामने आ जाता है। बाबा कहने से पूरा परिवार ही दिखता है। और बाबा सिर्फ बाबा नहीं कहते हम, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल का सहारा बाबा, ऐसे पूरे विशेषता लेके बाबा का ये करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपसे मेरे को याद आ गया, हम पांच शब्द बाबा के साथ बोलते हैं तो पांच स्वरूपों का अभ्यास होता है। मेरा बाबा कहने से हम परम धाम में बाबा के साथ टिचोगे। मेरा मीठा कहने से बाबा मीठा बनाने वाला हमें जो है सुखधाम में लक्ष्मी नारायण में आ गए हम। प्यारा मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फिर पूज्य स्वरूप में आ गए। प्यारे होते हैं ना पूज्य, हमेशा देवी से प्यारे रहते हैं। और दिल का दुलारा बाबा, ये बाबा क्या करता है, हमें ना ब्राह्मणों को दुलार ही देता है ना, ये भी बाबा शब्द का ही कमाल है। और मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल का दुलारा, शुक्रिया बाबा, फरिश्ते काम करके शुक्रिया भी सुनते चले जाते हैं। ये सब बाबा की कमाल है। अगर हम आज के दिन प्रैक्टिस करना चाहें तो अपने आप बैठे हुए 108 लाइनों में लिखें कि बाबा कहने से क्या क्या होता है। आपका योग भी लग जाएगा, समय भी सफल हो जाएगा। थैंक यू। हाँ जी बहन, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बिल्कुल आप भी सभी शेयर कर सकते हैं, एक से एक रत्न है। ललिता बहन, कल्पना बहन, हाँ जी गैलेक्सी, आप बताइए। ओम शांति भाई जी, गुड जी मॉर्निंग सभी परिवार गुड में। मॉर्निंग। बाबा ने आज कहा कि कोई भी बात सामने आए तो सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो मेरा बाबा। ओम बहुत अच्छा। हाँ जी विजय बहन, आप बताइए। धनलक्ष्मी जी, आप बताइए। शांति भाई जी, बाबा कहने से हमको पॉइंट रूप याद आ जाएगा, स्वयं भी पॉइंट हो जाएंगे, जो भी बात हो जाए तो पॉइंट रखते, पॉइंट्स को याद आता है, बात भूल जाता है, पहाड़ भी राई बन रूही बन जाता है। बाबा कहने से बाप की साथ रहने का और अशरीरी बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी विजय ओम बहन, आप शांति। बताइए। हाँ जी बताइए विजय भाई जी। बाबा शब्द कहने से हम विघ्न विनाशक बनते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी कंचन बहन। ओम शांति। बाबा कहने से किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि वो मुझे प्यार करे, वो मुझे इज्जत दे, वो तो वो लगता है बाबा है, बाबा कर रहा है इतना प्यार, इतना बेहद प्यार बाबा कर रहा है, तो मुझे किसी से और लेने की क्या जरूरत है। तो सिर्फ दातापन की फीलिंग आती है बाबा समान, और किसी से लेने की नहीं कुछ इच्छा होती। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम शांति भाई जी। हाँ बाबा जी बात। शब्द कहने से पहले तो अधिकारपन का महसूस भी होता है। जब मेरा बाबा, तो बाबा के ऊपर मेरा पूरा अधिकार है, तो बहुत हल्का भी महसूस होता है, अधिकारपन बहुत होता सुंदर। है। ओम शांति। हाँ जी शेरू भाई जी, आप बताइए। ओम शांति भाई जी। बाबा शब्द कहने में पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। ओम शांति। गुड। जीरो से जीरो है लगती रहती हैं। गुड। ललिता बहन, आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति। अभी सबने कहा बाबा शब्द कहने से कितने सारे सबने विशेषताएं बताए, लेकिन हम सब अपना चेकिंग करें, जैसे हमारे साथ कुछ होता है, जैसे अगर हम किचन में काम कर रहे हो तुरंत हमारे हाथ के ऊपर तेल गिर जाएगा रमन, तो मुंह से क्या निकलता है। ये बातें अभी एक सेंटर की बहन ने भी कहा कि पता है बाबा कहने से क्या होता है, लेकिन जब भी कोई विघ्न आता है तो ओ गॉड, या ऐसे
हे भगवान, इस तरह के शब्द निकलते हैं, तो हमको प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें करनी है। अगर बाबा शब्द से इतना मिलता है, तो हम डेली दिनचर्या में देखें कि अगर हमारे बच्चे भी कोई गलती करते हैं, तो उसको डांटने, कुछ भी बोलने से पहले बाबा बाबा बोले। वो मतलब इतना प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो सेंटर की बहनें, कि कुछ भी दूध निकल रहा है हम बाबा, बस हर चीज में बाबा। तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे इसमें सूरज भाई ने भी एक उदाहरण दिया था कि हम लोग की गाड़ी जा रही थी, और क्या हुआ कि पूरा गाड़ी एकदम से खाई की तरफ जाने लगी, पूरा गाड़ी खाई की तरफ जाने लगी, और एक साथ सभी के मुंह से निकल गया मेरा बाबा। जोर से मानो एक ही साथ सबके मुंह से निकला, और गाड़ी वहीं स्टॉप हुई। देखा गया तो गाड़ी के सामने एक पत्थर आ गया उस समय। तो बाबा शब्द में तो बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, और प्रायः सभी के मुंह से नहीं निकलता ऑल टाइम, क्योंकि हैबिट हो रखा है इतने जन्म का। और जैसे मेरा ना एक्सपीरियंस है कि हाँ, परिवार की भी बहुत शक्ति होती है। मैंने एक चीज एक बार पहले भी शेयर किया, क्योंकि आप जो भाई हैं आप बहुत लहरा के बोलते हैं, तो आपका ये एक वर्ड आता था, मेरे लाइफ में बहुत बड़ा विघ्न आया, बहुत बड़ा, ब्राह्मण परिवार से, इतना ज्यादा कि बहुत अति विघ्न था। तो उस समय मैं घर में एकदम से रो रही थी बहुत ज्यादा। उसी समय मुझे इसी ग्रुप के भाई जी का आवाज आया, मतलब विजय भाई जी का ही आवाज था, कौन हमारा साथी है। वो बार बार ग्रुप में ये चीज करते थे, और जैसे कि मेरे कानों में आवाज गूंज रही, बाबा निमित्त बना देता है उस समय। मैंने कहा बाबा, फिर दोबारा उन्होंने कहा कौन हमारा साथी है, बस एक शब्द मैंने कहा बाबा, और बाबा कहते आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना बड़ा विघ्न मानो कि पूरा हट गया, पूरा हट गया, एकदम लाइट, और एकदम हंस हंस के खाना बना रही हूँ, एकदम हंस के, जैसे कि मेरे साथ कुछ हुआ नहीं। तो बाबा शब्द में सही में बहुत पावर है, इसको हमको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। ओम शांति। ओ सुंदर बहन, जब हम बार बार अभ्यास करते हैं, जैसे बाबा ने कहा ना कल कल के उसमें था कि कोई भी पॉइंट रिपीट क्यों नहीं होते, आई मीन समय पे कोई काम नहीं आता, बाबा का ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं होता। और ये शब्द भी ना बाबा के मुरली में ही बताए हुए हैं, कौन साथ दे रहा है। वाकई में कभी हम ऐसी ड्राइविंग कहीं भी होते हैं, सिंपल यही, कहीं भी टफनेस आती है, कौन साथ दे रहा है, क्योंकि खुद को ही याद कराना पड़ता है ना, कौन साथ दे रहा है। थैंक यू बाबा। हाँ जी कल्पना बहन, आप शेयर कीजिए। एक पॉइंट बोलती हूँ, दीदी ने छोटा हाँ जी इस सहज मार्ग में मुश्किल खबर करने वाला कौन, बाबा। देखो पूरी मुरली में यही बताया है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जैसे ललिता बहन जी शेयर कर रहे थे, तो ये मैंने अनुभव किया है कि अभी बार बार बाबा शब्द याद आने से क्या होता है कि कोई भी चीज अगर कोई गलत काम भी हो रहा होता है, तो एकदम मुख से निकलता बाबा। और जैसे किचन की भी वो बात करते, ऐसा खुद का मेरा अनुभव है, कितनी बार होता है तो मुख से निकलता हमेशा बाबा बाबा। और एक ये भी अनुभव जो इन्होंने बताया वो सूरज भाई की जैसे था। एक बार क्या हुआ, मैं रोड क्रॉस कर रही थी, और वो मतलब बहुत बैंगलोर में बहुत ट्रैफिक रहता है, और इतना कंजस्टेड रोड था, मतलब मेन रोड ही मान लो, और इतना ट्रैफिक में वो रोड क्रॉस करते करते एक बहुत तेजी से आया एक वैन, मुझे पता नहीं चला, और मेरे मुख से निकला एकदम बाबा। और आप यकीन नहीं करेंगे सभी, मुझे ऐसे लगा किसी ने मुझे पीछे खींचा, और वो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा मैं कब पीछे हो गई, और वो गाड़ी एकदम सामने से निकल गई। ऐसा लगा जैसे मौत के मुंह से निकल के बाहर आ गई। तो जो बाबा शब्द है, हम नहीं जानते वो कहाँ और कैसे मदद कर देता, हमें पता भी नहीं चलता। तो वो जाने अनजाने में या बार बार भी मुख से जब हम निकलता रहता है, और वो कभी कभी ऐसी मदद करता है कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। और जैसे बाबा शब्द हमने हमने मुरली में भी सुना, एक बार बाबा ने कहा जब आपको गुस्सा आने लगे क्या बोलना है, मीठा बाबा। और ये खुद का मैं बहुत बार जैसे एक्सपेरिमेंट करती हूँ, किसी किसी बात में एकदम कोई सा भी अगर कोई अंश वंश आने लगता है किसी भी चीज का, तो मुझे बार बार याद दिलाओ मीठा बाबा, मेरा बाबा। तो वो एकदम से वो बात जो है वो निकल जाती है, वो स्थिति, वो परिस्थिति, या जो भी टेम्पटेशन है कुछ है। तो ये हम सबका अनुभव है, और हम इसको और इस अनुभव को बढ़ाते जाएं। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू। हाँ जी अजय भाई, आप बताइए। ओम शांति भाई जी, बहुत अच्छा है, सब शेयर कर रहे हैं और अच्छा फील हो रहा है। बाबा शब्द कहने से भाई जी बहुत लो की फीलिंग आती है, और बाबा शब्द कहने से बहुत सुरक्षा की फीलिंग आती है। जब भी हम अकेले रहते हैं
कोई परिस्थिति आ जाती है, जब हम दिल से बाबा कहते हैं, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, तो उसकी वो परिस्थिति सेकंड में सॉल्व हो जाती है। और बाबा कहने से हमें हमेशा एक बहुत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होता है। जब भी बाबा कहते हैं तो अकेला नहीं महसूस होता है, ऐसा लगता है कि साथ में कोई है। तो हमें सब बाबा बाबा कहते रहना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू। एक बार का अनुभव है कि शाम को सेंटर से थर्सडे को वीरवार को आ रहे थे, ऐसे गाड़ी का टर्न किया ना तो फुटपाथ पे चढ़ गई, मुख से निकला बाबा, और उसी समय ना दो बाइकर आए, उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी को उठाया, थैंक यू भी नहीं सुना और मैं रूटीन में आगे चला गया। ये बाबा शब्द की ही पावर है, कोई भी चीज आए तो बाबा, क्योंकि हमारा रक्षक भी है। और जब हम घरों में भी सो बातें आती हैं, कुछ होता है तो क्या कहते हैं, बाबा बैठा है, बाबा बड़ा है, बाबा हेड है, बाबा संभाल लेगा बच्चे बाबा के। तो ये बाबा बाबा में अनंत है। ओम शांति। आप भी शेयर कीजिए कविता बहन, आप शेयर करें तो कुछ। ओम शांति। सभी इतने अच्छे से प्यार से सुना रहे हैं, ये तो सच्ची बात है, क्योंकि हमारा ब्राह्मण जीवन जो है इसका फाउंडेशन ही एक बाबा है। अगर बाबा नहीं होता तो ज्ञान पता नहीं होता, ये परिवार नहीं मिलता, कुछ भी नहीं रहता। माने ओनली सोर्स जो है, जैसे वही बीज और वृक्ष का जो बाबा कहते हैं, तो बीज हमें मिल गया है, कितना छोटा सा मुट्ठी में सब कुछ आ गया। तो ये तो हर किसी ने किसी ना किसी तरह तो अनुभव भी किया है, और हम भी जब पहले पहले ज्ञान में आए थे तो आदत क्या थी कि माँ बाप को याद करते थे कुछ होता था, तो फिर मुझे में सुना कि अनिक मती सो गति है, आप बाबा को याद करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो प्रैक्टिस करते करते आजकल कुछ भी हो जाए, अगर छींक भी आती है तो बाबा कहते हैं, तो वो फीलिंग अंदर से है ना कि हाँ ही इज विथ मी, माने वो सपोर्ट, वो सब कुछ जैसे बाबा से मिलता है, और बाबा भी मुरलियों में कितने प्यार से कहता है, देखो बच्चे अगर तुमको ज्ञान समझ में भी नहीं आया, कुछ भी आप नहीं कर पाए पुरुषार्थ, जैसे बाबा, जैसे बूढ़ी माताओं को कहते हैं, क्योंकि बूढ़ी माताएं होती है बेचारी, इतनी एज्ड होती हैं फिर भी वो बाबा के घर आती हैं, बस बाबा ने एक ही सिखाया मंत्र, बाबा, जैसे फिर बाबा कहते हैं ना, एक ही मन मन मना भव, जस्ट बाबा ही मंत्र है। तो बहुत सुंदर सब कुछ सुनने पर कितना अंदर से एहसास हो रहा है कि हाँ ये कितना सत्य है, क्योंकि सबके बाप है ना, हम भी उनकी संतान भी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, बहुत सुंदर। हाँ जी अरुणा बहन, आप कुछ। बाबा कहने से मुश्किल बातें भी सहज हो जाती है, जैसे कि विल पावर आती है, ये अनुभव भी होता है दिन भर। ओम शांति। अब हम बाबा बार बार सुन रहे हैं तो गदगद हो रहा है मन, कि दिल से ये बाबा बाबा ही निकले। कि जूम यूजर भी पहले माइट कौन किया था, कुछ कहना चाहेंगे? ओम शांति। जी बाबा शब्द वेलकम। ऐसा है कि जैसे एक छोटा बच्चा भी होता है ना, तो उसको अपने माँ बाप के लिए जैसे जरा भी कुछ होता है, माँ माँ बाप उनको ही याद करते हैं, तो ये तो हमारा सब कुछ है, तो हम जरा सा भी कुछ होता है तो सब काम ऐसे हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हमको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, बाबा बाबा बस बाबा, हर टाइम कोई भी काम करे चाहे वो छोटा सा भी काम हो घर में, तो ऐसा लगता है कि बाबा है तो सब कुछ है, तो हर चीज इतनी हम यूज्ड टू हो गए हैं, बाबा बाबा हर टाइम बाबा बस। ओम शांति। ओम शांति। कहते हैं, हाँ बोलिए बोलिए। कहते हैं बाबा, कहते हैं ये या यूज करो नहीं तो लूज करोगे। और एक बहन अनुभव सुना रही थी कि कई बार जैसे जा रही होगी कहीं पर, उसको ऑटो नहीं मिला, उसके साथ उसकी दूसरे रियल बहन भी थी, उसने कहा बाबा ऑटो दिला दो ना, ऑटो आ गया। तो दूसरी बहन ने तो उसको बड़ी डांट लगाई, वो भक्ति मार्ग की थी, उसने कहा क्या तुम बाबा को ये ऑटो के लिए यूज करती हो। तो माताएं बहनें और हम तो बाबा को सब चीज के लिए यूज करते हैं, क्योंकि बाबा है ही जादूगर, जादूगर। थैंक यू वेरी मच। लास्ट पॉइंट किसी को शेयर करना हो।
ओम शांति भाई जी, यो तो अनुभव है। जोन सा कार्य करूंगी ना, बाबे को बिठा दूंगी ना, वो बने बनाया पावा अपने आप। अजय गलती वो फट याद आ जाए, वो हो बाबा ने बिठाया था ना। ये बाबा जो वंदे मातरम कहते हैं, ये माताओं को ही कहते हैं, इसलिए कहते हैं माता। पूरी मुरली सुनी, कई भाई पूछते हैं माता क्या समझ आया, मेरा बाप। थैंक यू। और भाई जी, जब हम बाबा बाबा कहते हैं ना, मैं और मेरापन गायब हो जाता है, बाबा बाबा ही याद आता है। ओम शांति। बस हम वो कहते हैं ना, एक में समा गए, लवलीन हो गए, यही अवस्था है बाबा बाबा। दोस्तों अभी हम आज का होमवर्क ले लें। जी भाई, आज का होम, हाँ जी, आज का हम होमवर्क लेते हैं। हमने ना पिक्चर बनानी है, मतलब अपने उसमें डायरी में जैसे जैसे मर्जी बने, छोटे छोटे से ड्राफ्ट कर दो। एक दिल बनाओ और उसमें रखो बाबा, एक अपनी पिक्चर बनाओ, अपनी ही पिक्चर जैसे मर्जी बने, वो याद रहेगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। उसमें स्टार, मस्तक पे स्टार देखो, जब बार बार देखेंगे कि भाग्य का सितारा चमक रहा है। और तीसरा, चेहरा चीयरफुल रहे। आज के तीन वही हैं, जब हम कुछ भी हो बाबा को याद करना है, बाबा बाबा करना है, अपना भी चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखना है, और जिसको भी देखो उसके लिए भी समझो कि इसका भाग्य किस तरह चमक रहा है, और चीयरफुल रहो। ये आज का छोटा सा होमवर्क है, और जो लिख सको तो 108 बार मेरा बाबा का क्या जादू है, ये आप कर सकते। अभी बाबा को याद करें, कल्पना बहन। जी, अभी पोल लॉन्च हुआ है तो सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बाबा को याद करेंगे, 2 मिनट। जी सभी अलर्ट एक्टिव होकर बैठ जाएं, प्रकृति में चमकते हुए सितारे को देखें, तो दिल से कहें बाबा, बाबा का जादू हमें उड़ाकर सूक्ष्म वतन में ले जाता है, जहां पर ब्रह्मा बाबा, मस्तक में शिव बाबा जो कमल आसन पर बैठे हैं, और सामने हमारे लिए भी कमल आसन। हम सब कमल आसन में बाबा के सामने आ जाते हैं, बाबा हमारे चमकते हुए सितारे को देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, हे अनुभवी मूरत, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, माया जीत जगत जीत सहज योगी, बाबा वरदान देते हैं, सदा चीयरफुल भव, सदा सहज योगी भव। बाबा ने दृष्टि दी पर हम उड़कर ऊपर परम धाम में चले। सन्मुख शिव बाबा पवित्रता की लाइट से भरपूर हो रहे हैं, संपूर्ण पवित्र। साइलेंस में चले।
परम धाम से नीचे साकार वतन में इस देह में आ गए। दिल बार बार कहे थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, और थैंक यू बाबा का मीठा पर शुक्रिया। ओके थैंक यू विजय भाई जी, आपका भी और सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छा चिंतन हुआ, कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। गुड डे तपस्वी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।